जैसे जैसे लोकसभा इलेक्शन पास आता जा रहा है, वैसे वैसे सियासी दलों के बीच तीखी नोकझोंक बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कहा है कि वे हमें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दे रहे हैं, इसके बदले में हमें छोड़ने की बात कह रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि हमने कोई गलत काम नहीं किया है। चलिए समझते हैं ये पूरी कहानी, आखिर क्या है आरोप प्रत्यारोप का ये दौर। दरअसल दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी की तरफ से समन जारी करने को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। दिल्ली के नए स्कूल भवनों की आधारशिला रखने के दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि वे हमें कहते हैं कि बीजेपी में शामिल हो जाओ, हम आपको छोड़ देंगे। मैंने कहा कि मैं भाजपा में शामिल नहीं होऊंगा, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ हैं, लेकिन हमने कौन सा गलत काम किया है। नए स्कूल भवनों के शिलान्यास के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भले ही उन्हें जेल भेज दिया जाए, लेकिन स्कूल बनाने और लोगों को मुफ्त इलाज मुहैया कराने जैसे दिल्ली सरकार के जारी विकास कार्य रुकेंगे नहीं। मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया गया क्योंकि उन्होंने स्कूल बनवाए। सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया गया क्योंकि उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनवाए। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई को उनके पीछे लगा दिया गया है। वहीं केजरीवाल ने यह भी कहा कि भले ही आप केजरीवाल को जेल में डाल दें, लेकिन स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक बनाने और दिल्ली के लोगों को मुफ्त इलाज प्रदान करने के काम नहीं रुकेंगे। भाजपा चाहती है कि हम उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। केजरीवाल ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार स्कूलों और अस्पतालों पर कुल बजट का सिर्फ 4% खर्च कर रही है, जबकि दिल्ली सरकार पिछले 8 सालों से 40% खर्च कर रही है। जब हम स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल का उद्घाटन करने जाते हैं तो दूसरी पार्टियों के लोग वहां पहुंचकर हमारे खिलाफ नारे लगाते हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के लीडर किरण रिजिजू ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर कहा कि राजनीति में अरविंद केजरीवाल से बड़ा भ्रष्ट कोई है ही नहीं। दिल्ली सरकार काम करती है और ढोल पीटती है, उसी मीडिया संस्थान को विज्ञापन देती है जो केजरीवाल के खिलाफ बात नहीं करता। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खबर चलाता है तो वो उसको विज्ञापन देना बंद कर देते हैं। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब देखने वाली बात यह है कि 2024 की नैया में सवार विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन बीजेपी की हैट्रिक को रोक पाता है या नहीं।